Good morning, class 5th. Today I am going to teach you chapter number 6, operations on decimal numbers. Okay, बच्चो, अब आपको इसमें रिवाइज एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट करनी है. तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट इंटू फॉलोइंग फ्रैक्शंस इंटू डेसीमल नंबर्स. अब आपको क्या करनी है, डेसीमल नंबर्स में कन्वर्ट करने. तो देखिए, 7/10 को अब क्या करेंगे, 7/10 को इसको 10 को डिवाइड करिए 7 से. जब 10 को डिवाइड करेंगे आप 7 से तो कितना हो जाएगा, 0 लगाएंगे, क्योंकि देखिए आपको ये समझाते हैं. तो देखिए आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे आप 7 को, तो ये इससे डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे आप, 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे. तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा दीजिए. अब यहाँ पे 0 आप बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 7 70 पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा. बस इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है बच्चों. इसी तरीके से आपके ये सारे हो जाएंगे. 100 से 13 को डिवाइड करिए, 1000 से करिए, 100 से करिए, ठीक है. तो आपको ये लगाने, इसी तरीके से अब ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन. तो कन्वर्ट फॉर्म में है तो इसको देख लीजिए आप. तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल पार्ट. तो देखिए 2.6 है, अब 2.6 है तो पॉइंट लगा, तो मैंने क्या किया, पॉइंट हटा दिया, ठीक. पॉइंट हटाया तो कितने, यहाँ पे एक नंबर है ना, तो जितने यहाँ पे नंबर होते हैं उतने ही जीरो लगाते हैं, तो बस एक था तो अपन जीरो लगा दिए. तो कितना है, 26/10. अब देखिए ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा, तो चाहो तो आप कर सकते हो. देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 2 5 जा 10, तो 5 आ गया. तो कितना आ गया, 13/5, ठीक है. यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों. इसी तरीके से आपके ये सारे हो जाएंगे, ठीक है. सारे आपके पॉइंट तक हटाएंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे. अब इसके बाद कन्वर्ट इनटू रिक्वायर्ड बिगर्स यूनिट्स. अब आपको यूनिट बतानी. तो देखिए सबसे पहले आपको 317 मीटर्स हैं, इनको क्या करना, आपको चेंज करना किलोमीटर में. तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप कराएंगे किलोमीटर में, ठीक है. तो 0.317. अब 50 ग्राम, 50 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, तो 100 होता है. तो देखिए आप 100 का, तो 0.05 किलोग्राम होगा, ठीक. इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर का होगा तो कितना हो जाएगा, 0.03 मीटर्स. ओके, बिकॉज 1 मीटर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है. 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर. इसी तरीके से आपको पैसे हैं, 60 पैसे, इनको चेंज करने हैं. 6 पैसे हैं, इनको चेंज करने. मिलीमीटर को लीटर में चेंज करनी है, आप अपने आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपको लिखा है इवेलेट द फॉलोइंग. अब इसमें क्या करना है, ये आपको ऐड करने हैं. अब पॉइंट वाले ऐड है बच्चों, तो इसके लिए आपको ऐड करना सिंपल है. देखिए 3 + 2 कितना हुआ, 5. पॉइंट लगाइए और 9 ओके. इसी तरीके से सेम ये भी है, देखिए इसको भी मैंने ऐड किया तो कितना आया, 1 + 7 8, 5 + 2 7, ओके. पॉइंट लगाया 3 + अगर यहाँ पे कैरी होता है तो कैरी पॉइंट के बाद भी लग जाता है, इसमें कैरी नहीं है. ये वाले आपको सारे करने, ठीक है. जैसे यहाँ वाला देखिए, 8 + 0 + 0 कितना हुआ, यहाँ पे हो गया 0, ठीक. इसके बाद 6 + 1 कितना हुआ, 7, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो वही. फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा दिया. 2 + 3 2 + 1 कितना हुआ, 3 + 1 4, ठीक है. तो कितना हो गया, 4 + 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों. इसी तरीके से आपके ये दोनों भी हो जाएंगे, ठीक है. अब जैसे कैरी वाला है तो देखो, 8 + 4 कितना होता है, 12 की 2, कैरी लगा 1. इसके 9 + 3 कितना हुआ, 6 + 3 9, प्लस कैरी 1 का 0, ठीक. 10, पॉइंट लगाया यहाँ पे कर दिया, ठीक. 8 + 4 कितना हुआ, 8, यहाँ पे 8 + 4 12 12 + 13, ठीक. 13 की 3, कैरी लगा 1. 9 + 3 9 + 1 3 1 4, ये आ गया कैरी वाला, ठीक है. इसी तरीके से आपके ये दोनों क्वेश्चन होंगे, बाकी तो मैंने देखिए सॉल्व ही कर दिए. अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ये आपको दोनों करने हैं, ठीक है बच्चों. ये आपका रिवाइज्ड होमवर्क है. ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे.